बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी सब ठीक है। जो भी मेरे बहन भाई देश पर देश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बात रखे, हम हंसता मुस्कुराता रखे, अपने मान में रखे। इसी ने दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ जी। रात को हमारे यहाँ बारिश हुई है तो आंधी पहले आई, इतनी ज़्यादा आंधी आई, गरज चमक के साथ भी बारिश हुई। तो ये देख सकते हैं आप, इतना गंद पड़ गया ना शहर में कि बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया। जैसे हमने ना रेहड़ियाँ उठा कर तो बाहर फेंक दी मैंने मोटी मोटी। अभी जब मैं झाड़ू देने लगी, ये देखे दरख्त की सारी फलियाँ जो है ना, ये ऊपर से जो पकी हुई थी वो गिर गई हैं। और वैसे तो पौधे धुल गए हैं, साफ़ सुथरे माशाल्लाह हो गए हैं। और हमारे वो बच्चे ने ना दूध पी के वो मस्तियाँ कर रहा है, इतनी मस्तियाँ कर रहा है। अभी खुला छोड़ा हुआ है ना तो ये मस्तियाँ कर रहा है। अब ये देखिए इतना मज़े का डांस भी करता है मेरे बेटे के साथ। ओए आजो, आजा इधर आओ, इधर आओ, ये बहुत मस्तियाँ कर रहा है। ये देखिए भाग जो उधर, भाग के दिखाओ। ये अपनी मामा के पास हो गया कि शायद मुझे पकड़ने आए हैं। तो ये इसने नीचे गिरा दिया, इसके चोट ना लग जाए। मैं इसको भी उठा देती हूँ जी। अब जल्दी से कर लेती हूँ सफाई में, अभी बहुत काम पड़ा है। तो जी आज मैं आपके साथ, बादल भी देखें इतने बने हुए हैं, इधर तो बहुत ज़्यादा काले बादल थे, अभी आगे चले गए। अभी थोड़ा सा सूरज निकला तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तीन चार दिन तो बिल्कुल धूप निकली नहीं ना। ये देखो जब आंधी आती है ना, सारे पत्ते वगैरह इस तरह से जम जाते हैं। तो फिर हम ऐसे मोटे मोटे उठा के ना तो पहले फेंक देते हैं, फिर झाड़ू से ना बारीक भी रहते हैं वो। हाँ जी उसमें सही साहब, अस्सलाम वालेकुम। उधर बोलो, उधर बोलो, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे जी। इसके पापा चाय पीते हैं, ये कहता मुझे भी चाय डाल के दो। फिर इसके दूध में चाय डाल देते हैं थोड़ी सी। तो ये देखे जी हाफिजा बीबी, ये अभी सिपाहा पढ़ के आई है और नाश्ता किया, दूध पिया इसने भी फीडर। तो अभी ये खेलने लग गया। तो इसका ये हैंड बैग जो है ना, ये इसने एक मिनट भी नहीं उतारना होता, सारा दिन ऐसे रहता है। साइकिल पे बैठना तब भी, गाड़ी पे बैठना तब भी इसने अपने कंधे पर ही रखना। उधर झूला रे रही होगी ये पिंजे के ऊपर, घोड़े के ऊपर, फिर भी इसने अपने ना इधर ही बाजू पर ही लटकाया होता है, ये नहीं थक। जल्दी से कब काम कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैंने झाड़ू वगैरह दे लिए, बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया, बर्तन धो लिए। अभी जी मैंने कपड़े भी धो लिए, मेरी बहू ने लगाई है मशीन, मेरे बाद उसने लगाई है। मेरे तो सारे कपड़े धुल गए हैं माशाल्लाह से, ये देखें सारे मैंने ना स्पिनर करके डाल दिए हैं, क्योंकि बादल भी हो रहे हैं। दो सूट इस्त्री भी हो गए हैं, हल्के हल्के ठंडे ही थे अभी तो कर लिए दो सूट इस्त्री भी। अभी बादल देखे मैंने, इसलिए स्पिनर निकाला कि बारिश आ गई तो मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है सूखने के लिए कि मैं इधर डाल दूँ कि सूख जाएंगे। ये स्पिनर हमारा ना ख़राब है, ये तार भी इसकी शार्ट है, शार्ट है, और ये स्पिनर खुद भी शार्ट है। तो इसका ढकना जो है ना ये उतर गया। तो ये देखे अंदर से भी जंग आ गया हुआ है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जी काम दे रहा है। हम ना पीछे से जो उतार के ना स्विच, फिर इसका स्विच लगाते हैं। हाँ जी अभी जी ये पॉइंट पड़ी जा रही है। अच्छा पोएम सुनाओ, आप सुनाओ वरदा, पारिया आप सुनाओ। वरदा तो स्कूल गई हुई है। मम्मा क्या लेडी फिंगर लेडी, क्या मम्मा क्या बोलती है तुम? नहीं आती आपको? आती है बटरफ्लाई, वो देखो बटरफ्लाई गई। हाँ जी, तो अभी जो रह गए हैं काम वो भी कर लो। तो दो सूट मेरी बेटी ने इस्त्री कर ली है, बाकी सारे सूख रहे हैं। जैसे ही सूखते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप उतारते जाएंगे और रखते जाएंगे अंदर। ये हवा देखे कितनी तेज़ और ठंडी है ना, ये अब जर्सी जो है ना पहननी पहननी होगी, बस सब ने जर्सियाँ शुरू कर देनी है, जैकेट शुरू कर देनी है, इस हवा ने सभी ले आनी। तो जी जल्दी से मैं ये काम ख़त्म कर लूँ। मानो नहीं होते आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ जी। माँ नूर के लिए खसूसी आपने दुआ करनी है, सबको थोड़ा थोड़ा आराम आ गया, लेकिन इसको अभी आराम नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जी रोटी गोभी वाली बना ली है। ये कल हमने गोभी जो बनाई थी ना वो रखी हुई है, और इसको मैंने ना प्लेट में डाल के ना तो ये मैश कर लिया इस तरह से। अभी मैं दो पेड़े बनाकर उसके उसमें लगा कर ना तो रोटी बना रही हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह से, क्योंकि ये आलू की तरह एक ही नान की तरह नहीं ना बनती, ये दो पर्दों में बनती है रोटी। ये देखिए माशाल्लाह से रोटी, गोभी वाली रोटी बना रहे हैं, साथ हम बनाएंगे चाय और कल वाली लस्सी पियेंगे, क्योंकि आज नया दही तो बनाया नहीं है और ना ही लस्सी बनाई है, कल की लस्सी पड़ी हुई है वही पियेंगे साथ। तो अभी जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ और फिर खाते हैं खाना। असान ये देखो जी, ये देखें हमारी चिड़िया तोते जो हमने रखे हुए, ये देखे रही इनको ना हमने इधर एक लगा दिया, क्योंकि जब भी बच्चे हिलाते थे ये अपने अंडे तोड़ देते थे, बाहर फेंक देते थे। अभी हमने तकरीबन 20 दिन हो गए इनको ना इधर ही रखा हुआ, तो अभी देखेंगे कि ये अपने बच्चे निकालते हैं कि नहीं। और मैंने ये भी नहीं देखे अभी इसके इन्होंने अंडे दिए कि नहीं दिए, कैमरा फोकस करके देखो ज़रा अंडे हैं कि नहीं, इसमें देखो तो सही आ रहा नज़र ने? अभी चिड़िया बैठी हुई है ना, अभी बैठी हुई है उसके ऊपर, शायद इसने अब की बार ना शायद ये ना अंडे दें। तो ये देखे जी अभी मेरे बेटे ने चारा काटा, तो उसमें से ना ये कि छली जो है ना निकली आई है हरी वाली, बाकी तो वो सब हैं वो पकी हुई है, ये देखे पड़ी हुई है, ये पकी हुई पड़ी हुई है, ये दूधा जो होती है ना छली भुट्टा वो है, अभी जिसको भून के खाते हैं। और मैंने जो कपड़े धोए थे वो भी मैंने तारों से उतार लिए, सारे सूख गए हैं, मैंने तय भी कर लिया, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये बकरी में चारा खा रही है, ये लो, और ये गाय वगैरह भी चारा खा रहा, अभी वो मस्त होकर लेटा हुआ है हमारा पिंकू जो है, शाम को इसको भी दूध पिलाएंगे। और इधर देखेंगे जो मैडम है ना हमारी हारिया, ये तो हर वक्त रेडी रहती है, इसका बैग इसके कंधे पर ही रहता है, सोते वक्त भी अपने सराहाने रखती है ये बैग। तो ये तो अपने बकरों को झूला दे रही है जी। ये मैंने ना कपड़े वगैरह तय कर लिए हैं, तो अभी इनको भी रख लेती हूँ, शाम भी होने वाली है, तो इसी के साथ ये देखे मौसम कितना प्यारा हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, जैसे बादल भी आ रहे हैं। तो ये देखिए सुबह मैंने सफाई की थी, ये आप देख सकते हैं इतना वो आती है ना हवा आती है तो सारा जो गंद होता है ना हमारे ना इधर फैल जाता है गंद। कहाँ दीदी हमने घर पर लहसुन लगाया, इसमें भी पत्ते गिरे हुए, अभी मैंने ड्रम पीछे किया, मैंने कहा इसको भी हवा लगे। ये देखें उधर तो पहलियों में तो लगा के आए ना खेतों में, इधर भी घर पर भी लगाया, ये धनिया भी लगाया, उसमें भी धनिया लगाया हमने, तो ड्रम रखा हुआ था, मैंने कहा बकरियों ने खा जाना, इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा गिर गए थे, मैं सोच रही कि ये भी इसको ना साफ कर देती हूँ ज़रा। जी तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, और जिस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। एक मिनट महानूर, महानूर के लिए आपने खसूसी दुआ करनी है। अभी मैंने ना इसको लौंग और बादाम तेल में ब्राउन करके ना ब्लैक करके जला के तो इसकी मालिश की है, इसके हाथों की पाँव की गले की कानों में भी तेल दो दो टुकड़े डाला है, दो दो ड्रॉप। तो अभी ये सुकून से, नहीं तो इसको इतना खांसी आ रही थी ना साथ इसके साँस ही उलट जाता था, तो मैंने ना इसकी अभी मालिश की है, तो ये देखिए आपको तेल नज़र आ रहा होगा। तो जी इसके साथ मेरी जी ज़्यादातर मेरे जिस बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी किया करें, और लाइक भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके अल्लाह हाफिज़।